मुंबई की तर्ज पर अब उत्तराखंड पुलिस के मालखाने भी हाईकोर्ट राजधानी देहरादून में जिसे अधिकारी सोनिका ने आम जनता की समस्याओं को सुनने के लिए जनता दरबार लगाया। उन्होंने सभी समस्याओं को सुनकर अधिकारियों को आपराधिक घटना के निदान के निर्देश दिए। डीएम सोनिका ने बताया कि जनता दरबार में बिजली पानी सड़क और हत्या हुई है तो कई मामले सामने आए। वस्तु के प्रहार से गई है उसे साक्षी के निर्देश के बाद हर सोमवार को डीएम कार्यालय में जनता दरबार लगाकर आम जनता की समस्याओं का समाधान किया जाए, लेकिन सबूतों में क्यूआर कोड लगाकर कंप्यूटर की मदद से माल साक्षियों का पता चल सकेगा तो वहीं आपराधिक मामले की घटना स्थल पर साक्ष्य प्राप्त करने में भी आसानी आएगी। आईजी पुलिस आधुनिकीकरण नीलेश आनंद भरने का कहना है कि मालखाने को हाईटेक बनाए जाने पर काम चल रहा है, इसके लिए मुंबई के एडवांस्ड मैनेजमेंट सेंटर की व्यवस्था और डिजाइन का अध्ययन किया जा रहा है। देहरादून जिले को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर चुना गया है जिससे पुलिसिंग और आसान हो सके। ये भारतीय न्याय संहिता में जो पुलिस के लिए जो अभी नए कानून के तहत जो निर्देश आए हैं उसमें हमको जो है जो भी हमारा माल हम लोग जो क्राइम सीन पे जाने के बाद जो भी पुलिस को कार्रवाई करनी है वो सारी ऑनलाइन होनी है। वहाँ पर मौके पे सारा जो भी होना है वो सारा डिजिटली होगा और वहीं पे सारा सील पैक होके जो है वो जो चेन ऑफ कस्टडी होती है वो भी डिजिटल रखी जाएगी। तो उत्तराखंड पुलिस प्रयास कर रही है कि पूरा जो है इसको जो भी क्राइम सीन पे जैसे मर्डर हो डकैती हो वहाँ जाने के बाद जो भी सीजर होते हैं डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होते हैं अन्य एविडेंस साइंटिफिक एविडेंस होते हैं तो पूरी फॉरेंसिक टीम वहाँ पर मौके पर जाकर जो सर सीजर होगा वो जो है हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जो वहाँ से जिला लेवल पे एक मालखाना बनाने का प्रयास चल रहा तो जो है थाने के मालखाने में न जाते हुए वो जिला स्तर पे डायरेक्ट आएगा और वहाँ पर एक बड़ा जो है हमारा वेयर हाउस टाइप होगा। उस वेयर हाउस में जो है वो पूरा रैक्स बने होंगे, उस रैक्स में जो है पूरा क्यूआर कोड और उसका बार कोड स्कैनिंग की जाएगी ताकि पूरा एक सेकेंड में आपको पता रहेगा कि कौन सा माल कब है कहाँ रखा हुआ है वो किस डेट में कोर्ट में जाना है तो पूरा साइंटिफिक होगा। कंप्यूटर में दिखाई देगा माल का जो है वो टैम्परिंग कोई नहीं कर पाएगा, उस पर छेड़छाड़ नहीं कर पाएगा माल के साथ। माल प्रोड्यूस जो है सही समय से होगा, डेट कब लगी है वो कैलेंडर्स में अलर्ट आएंगे। तो इस तरह से एक हाईटेक सिस्टम बनाने का प्रयास चल रहा है। इसमें अभी प्रयास अभी जस्ट शुरू हुआ है तो इसको देहरादून में हम लोग पहला पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत करेंगे।